नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, ये अधिक मास है और मैं फिर से कोशिश कर रही हूँ आपको एक इतना बढ़िया उपाय बताने का, इतना बढ़िया उपाय जिसमें आपको कोई ना मंत्र जाप करना है, कोई कुछ भी आपको ऐसा अठार वाला काम जिसे कहते हैं ना। अभी एक व्यक्ति ने, हमारे किसी व्यूवर ने, सब्सक्राइबर ने कमेंट डाली थी कि मैडम अटहर वाला काम आप बता देते हो, तो अटहर ना हो जिस काम में, क्योंकि यदि आप बड़ा अनुष्ठान करेंगे, बड़ी पूजा करेंगे, कोई काम करेंगे तो अटहर तो होगी, मतलब थोड़ा आपको प्रयत्न तो करना पड़ेगा, है ना। तो ये जो काम है बहुत ही साधारण है, बहुत साधारण है और कर लेने के लायक है। अभी अधिक मास है, अधिक मास में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अधिक मास में जो भी क्रिया आप करते हैं उसका आपको हजारों गुना ज़्यादा फल मिलता है और हमेशा स्थायी रहता है, क्योंकि भगवान श्री हरि ने इस महीने को ये आशीर्वाद दे रखा है कि इस महीने में जब जब कोई भी जीव कोई भी अच्छा काम करेगा तो उसका पुण्य फल उसे हजारों गुना मिलेगा। क्योंकि पहले जब तक इस माह को भगवान पुरुषोत्तम ने, भगवान श्री हरि ने यह आशीर्वाद नहीं दिए थे, तब तक लोग इस माह को मल मास कहते थे, मल मास कहा जाता था और इस मास की कोई वैल्यू नहीं थी। तो ये मास जो था, ये जब भी, मतलब ये जब ये मास आता था तो लोग, ये चार साल में एक बार आता है, मतलब हर तीन साल के बाद ये चौथी बार आता है, तो लोग इस महीने में कोई भी अच्छा काम नहीं करते थे। लोग इसे तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे, घृणा की दृष्टि से देखते थे, जिससे ये माँ परेशान हो गया था। तो इसने, इस माँ ने, इस अधिक मास ने तपस्या की भगवान श्री हरि की, और जब भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए तो रोते हुए इस मास ने अपनी व्यथा सुनाई कि हे भगवान, आपने हर महीने को, हर वार को, हर दिन को एक नया महत्व दिया है, हर ग्रह, हर नक्षत्र की एक अपनी विशेषता है, अपना महत्व है, अपनी शक्ति है, लोग उसकी पूजा करते हैं, लेकिन मैं तो जब आता हूँ तब लोग मुझे तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं, मैंने ऐसा क्या पाप किया है भगवान, आप मुझ पर कृपा करें और मेरा उद्धार करें। तो भगवान इतने दयालु हैं, उन्होंने अपना नाम ही दे दिया इस मास को, और अधिक, ये जो मल मास था, अधिक मास था, इसका नाम हो गया मल मास, इसका नाम हो गया पुरुषोत्तम मास। और भगवान श्री हरि ने आशीर्वाद दिया कि जब जब तुम आओगे, जब जब आप आएंगे, जो उस दरमियान, उन दिनों में जब भी व्यक्ति आपकी पूजा करेगा, जितनी ज़्यादा आपकी पूजा करेगा, उस हर पूजा का, पाठ का, किसी भी चीज़ का, पाठ का, जाप का, उसे हजारों गुना फल मिलेगा। दान, जो भी चीज़ का वो दान करता है उसका हजारों गुना उसे फल मिलेगा। मतलब इस अधिक मास में दोस्तों, आप जितना दान पुण्य कर सकते हैं उतना आप दान पुण्य करें, पूजा पाठ करें, अनुष्ठान करें, सत्यनारायण भगवान की कथा सुने, अधिक मास का महात्म्य सुने, इसको कहने वाला और सुनने वाला दोनों ही पुण्य के भागी बनते हैं। 165 साल के बाद दोस्तों ये संयोग बना है, क्योंकि इस बार आप देखें कितने सारे दिनों में सर्वार्थ सिद्धि योग आए हैं, पुष्य नक्षत्र पड़े हैं, ढेर सारे दूसरे योग इसके अंदर आ गए हैं। ये पूरा महीना इतना बढ़िया है, इतने बढ़िया बढ़िया इसमें जो ग्रह नक्षत्र पड़े हैं, जो योग पड़े हैं, अमृत सिद्धि योग पड़ा है। इन योगों में दोस्तों आप जितना भी अच्छा काम कर लेंगे, जो भी मंत्र जाप कर लेंगे, जितना भी अनुष्ठान कर लेंगे, जिस मंत्र की सिद्धि कर लेंगे, वो हमेशा हमेशा आपके साथ वो बल बना रहेगा। जैसे अभी मैंने एक वीडियो अपलोड की है अपा मार्ग की, कि आप उसको, उस जड़ को अभिमंत्रित करके पुष्य नक्षत्र में रख लें। अभी 10 और 11 अक्टूबर को ये पड़ रहा है पुष्य नक्षत्र, आप इसमें रख लें, आप इसे हमेशा आपका यूज़ कर सकेंगे। मदार की जड़ की, जो मैंने अभी वीडियो बना करके डाली है, कि आप इसका यूज़ कर लें। अधिक मास है और इतना अच्छा ग्रह है, नक्षत्र है, ये जो नक्षत्र पड़ रहे हैं, इस नक्षत्र में आप इन जड़ों को अभिमंत्रित करके रख लें अपने पास, आजीवन आपके साथ रहेंगे और आपका बल बढ़ता ही रहेगा, आपका प्रभाव बढ़ता ही रहेगा। बार बार ऐसा समय नहीं आता है, ऐसे संजोग बार बार नहीं होते हैं,
प्रकृति का ये जो समय है बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल है अच्छे कर्म कर लेने के लिए है। फिर से मैं इस बार भी रिपीट कर दूँ इस वीडियो में भी दोस्तों, जितना ज़्यादा हो आप पीपल की पूजा करना, हल्दी वाला जल एवरीडे पीपल के पेड़ पर आप अर्पित करना, घी का दिया लगाना, ठीक है, माता तुलसी की एवरीडे आप पूजा करना, गुरुवार के दिन अवश्य ही उसमें कच्चा दूध अर्पित करना। जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही है, 5 गुलाब के फूल 5 शुक्रवार तुलसी की जड़ में अवश्य ही चढ़ाएं, जड़ में थोड़ा सा मतलब गड्ढा करके गाड़ दें, शादी के योग बनने लग जाएंगे। ढेर सारे उपाय जो मैंने माता तुलसी के बताए हैं वे आप कर सकते हैं। तुलसी की जड़ को अभिमंत्रित करके आप रख लें पुष्य नक्षत्र में, तुलसी की जड़ को थोड़ा सा आप काट लें और उसे अभिमंत्रित करके रख लें। आप दोस्तों देखेंगे जो भी इसको धारण कर लेगा, कभी जो भूत प्रेत है नेगेटिविटी उसे परेशान नहीं करेगी। जो छोटे छोटे बच्चे हैं सोते सोते अचानक चमक जाते हैं, डर जाते हैं, रोने लग जाते हैं, वे इस चीज़ से बच जाएंगे। कितने जो बड़े लोग भी हैं वे परेशान होते हैं, रात को सोते समय उन्हें डर लगता है, उन्हें हमेशा ये महसूस होता है जैसे कि हमारे आसपास में कोई घूम रहा है, कोई हमें डरा रहा है, कोई हमें मारने की धमकी दे रहा है। मतलब नेगेटिविटी से जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं वे तुलसी की जड़ को इस पुष्य नक्षत्र में जो अक्टूबर 10-11 को पड़ रही है आप अभिमंत्रित करके रख लें। आप देखेंगे आपको इन हर चीज़ से छुटकारा मिल जाएगा। ढेर सारे उपाय हैं दोस्तों अधिक मास में करने के लिए। यदि आपने इन्हें कर लिया आपका जीवन सुधर जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, यूँ कहूँ तो भी कम नहीं है। तो जो नए नए व्यूवर्स आ रहे हैं मेरे चैनल पर, मेरी वीडियो की पहली पहली बार विजिट ले रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। और यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। पता नहीं आपके द्वारा शेयर की गई जानकारी से कब कहाँ किसका भला हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों पीपल में ढेर सारे योनियों के जीवों का वास होता है, कितने ही सिद्ध आत्माओं का वास होता है, देवी देवताओं का वास होता है, कितने ही तरह की योगनियों का वास होता है, अप्सराओं का वास होता है, ब्रह्म राक्षसों का भी वास होता है। पीपल एक ऐसा पेड़ है दोस्तों जो हजारों हजारों जात के योनियों का जीवों का आश्रय स्थान है। पीपल की पूजा करने से कितने ही जीवों का उद्धार होता है। एकमात्र पीपल का पेड़ दोस्तों लगाने से आपकी पेढ़ी दर पेढ़ी राज करती है। आपको जन्मों जन्म पीपल का पेड़ लगाने का जो पुण्य है वो कभी खत्म नहीं होता, जन्मों जन्म आपको इसका पुण्य मिलता रहता है। पीपल का पेड़, बिली पत्र का पेड़, बरगद का पेड़, दोस्तों ये पेड़ों में बहुत शक्ति है, क्योंकि इनमें ऐसे ही आत्माओं का वास हो जाता है। उन आत्माओं के भी हमेशा आपको आशीर्वाद मिलते रहते हैं हमेशा। जैसे मैं बताती हूँ दोस्तों, फूल, हर फूल में, हर अलग अलग तरह के फूलों में कितनी ही प्रकार की शक्तियों का वास होता है। जैसे हम वशीकरण करते हैं तो हम अमुक जैसे मैंने बताया गुलाब के फूल पर ये करके किसी को देना है, गुलाब का फूल अपने पास रखना है, गेंदे का फूल यहाँ अर्पित करना है, यहाँ चढ़ाना है, तो वो जो शक्तियों का उनमें वास है वो शक्तियाँ भी आपके शब्दों को सही करती हैं, सिद्ध करती हैं और सामने वाले के पास जा कर के अपना काम करती हैं। तो पीपल का पेड़ दोस्तों आप जानते होंगे, आप और हम सभी जानते हैं कि इसमें तो इतने जीवों का वास है, इतने देवी देवताओं का वास है कि यदि आपने इस पेड़ को एक बार लगा दिया तो जन्म जन्म आपको सुख ही मिलने वाला है, आपका पुण्य बल बढ़ने ही वाला है, आपका भाग्योदय होने से कोई रोक नहीं सकता, आपकी पेढ़ी दर पेढ़ी राज करती है। बस आपको इसे लगाना है इस समय, जैसे अभी अधिक मास चल रहा है, वैसे तो अधिक मास नहीं भी चल रहा हो और आप ये काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छा पुण्य फल मिलता है इसका, लेकिन अभी अधिक मास में यदि आप इसे लगा देते हैं दोस्तों तो आपकी 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 ज़िंदगी को बदलने से कोई रोक नहीं सकता। सर्वार्थ सिद्धि योग है, अमृत योग है, कितने अच्छे अच्छे योग आ रहे हैं, पुष्य नक्षत्र आ रहा है दोस्तों। इसमें से कोई भी दिन, या तो मैं तो ये कहूँगी जो पुष्य नक्षत्र है इसी में आप पीपल का पेड़ लगा दें, किसी तालाब के पास, बावड़ी के पास, किसी कुएं के पास, जहाँ पर भी पानी है, जहाँ पर भी पानी है, कोई बावड़ी, तालाब, कुआं, ऐसे के पास आप
पीपल का पेड़ लगा दें, क्योंकि आप जानते होंगे दोस्तों, तालाब में, कुएं में बहुत सारे जीवों का वास होता है, ढेर सारी आत्माएं पानी में रहती हैं, कितने ही प्रकार के राक्षसों का भी वास होता है, असुरों का भी वास होता है इसमें, और कितने ही देवी देवताओं का भी वास होता है। जल जहाँ होगा वहाँ ढेर सारी आत्माओं का वास होता है, ढेर सारे जीवों का वास होता है। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ आत्माएं, शुद्ध आत्माएं हैं, इनका भी वास होता है, प्लस जो पक्षी हैं, पक्षी भी जल में, जहाँ पर नदी होगी, तालाब होगा, बावड़ियाँ होगी, आप देखेंगे वहाँ पर, जहाँ पर भी आप पानी रखेंगे, आप अपने घर के दरवाजे पर भी दोस्तों, आप अपनी छत पर भी थोड़ा सा यदि दाना डालने लग जाएंगे और गमले उसमें भर करके कुंडे के अंदर यदि आपने पानी रख दिया, तो आप देखना उसके आसपास के जो पेड़ हैं वहाँ पर भी अपना घोंसला बनाने लग जाते हैं। आपके घर में ही कहीं उन्हें यदि जगह मिलती है थोड़ी सी, तो अपना घोंसला बनाते हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें दाना पानी मिलता है ना। तो जहाँ तालाब है, तालाब में तो ऑलरेडी ढेर सारी आत्माओं का वास है जो उस पानी में रहती हैं। कितने ऐसे 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 राक्षस भी हैं जो उनमें वास करते हैं, जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी, खबीश जो तालाब में रहता है, जो महिलाओं को परेशान करता है, यदि आपने वो वीडियो देखी हो, तो ऐसे जीवों को भी आश्रय मिल जाता है पीपल के पेड़ पर। मतलब आप एक पीपल का पेड़ यदि लगा देते हैं तालाब के पास, कुएं के पास, तो आपका जीवन सफल, जीवन नहीं, आपके जन्म जन्म सफल हो जाते हैं। कितने ही जन्म आप लेते रहेंगे, आपको इन जीवों के शुभ आशीर्वाद मिलते रहेंगे। जो पशु पक्षी वहाँ आते हैं, पानी पीते हैं और उस झाड़ के नीचे बैठते हैं, पीपल के नीचे बैठते हैं, वे भी आपको अच्छी दुआएं देते हैं, उनकी भी दुआएं, उनकी भी अच्छी अच्छी जो दुआएं निकलती हैं वो आपके पास तक पहुंच जाती हैं। जो भी व्यक्ति पूजा करता है पीपल में आकर के दोस्तों, उसका कहा जाता है कि जो चीज़, जो पूजा पाठ की चीज़, जैसे किसी प्रतिमा का, मूर्ति का भी आप दान करते हैं, तो जो व्यक्ति उसकी पूजा करता है, जो मंत्र आप बताते हैं लोगों को, उस मंत्र का जो जाप करेगा, जितना उसका यूज़ करेगा, उसका दसवां हिस्सा आपके पास आता है। तो पीपल के पेड़ में पूजा करने वाले व्यक्तियों की जो दुआएं हैं, जो उन्हें पुण्य फल मिलता है, उसका दसवां हिस्सा हमेशा आपको मिलता रहता है, हमेशा आपको मिलता रहता है। तो इस अधिक मास में दोस्तों, एक पीपल का पेड़ अवश्य ही लगाना, अवश्य ही लगाना। आप खुद देखेंगे कि इससे आपकी लाइफ बदल जाएगी, आपके जो बच्चे हैं, आपका जो परिवार है, आने वाली पीढ़ी भी राज करेगी, सभी के जीवन में इसकी पॉजिटिव असर आपको दिखाई देगी। करते रहें दोस्तों, ये सब कुछ करने में, समझने में कहीं कोई तकलीफ पड़ती है तो पूछें अवश्य। करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।